हम लोग मेटल के हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, जितने भी आइटम्स एक्सपोर्ट होते हैं, चाहे वो टेबल टॉप हो, हैंगिंग्स हो, वॉल माउंट हो, लैंटर्न्स हो, वॉल मिरर्स, वॉल आर्ट्स, प्लांटर्स, ये सब हम बनाते हैं। और ये ज़्यादातर प्रोडक्ट्स मैन्युअली बनाए जाते हैं, बाय हैंड बनाए जाते हैं, मशीन का यूज़ बहुत कम होता है। की हुक्स आपके जैसे कास्टिंग में थे, जो एनिमल्स एंड बर्ड्स की स्कल्पचर्स थे, तो पहले उनकी मोल्ड तैयार की जाती है। सबसे पहले तो हम कोई भी कास्टिंग का प्रोडक्ट बनाने से पहले उसकी मोल्ड्स बनाते हैं, या तो वो वैक्स से बनेंगी या फिर वुड से बनेंगी। तो उन मोल्ड्स को हम मतलब सांचे में डालते हैं, और उसके बाद हम जो जिस भी मटेरियल में बनाना है, एल्यूमिनियम में बनाना है, कास्ट आयरन में या स्टील में, जिस चीज़ में भी बनाना है, वो मटेरियल गर्म करके और उन मोल्ड्स में डालते हैं। तो वो जो मोल्ड्स होती हैं वो जल जाती हैं, और उनकी जो वैकेंट स्पेस होती है वहाँ सारा मटेरियल भर जाता है। उसके फिर थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद उसे तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद वो हमारा रॉ प्रोडक्ट आ जाता है निकल कर। तो रॉ प्रोडक्ट को पहले हम थोड़ी सी उसकी फाइन लाइंस निखारते हैं थोड़ा उसे, उसके बाद वो फिनिश के लिए जाता है। तो जैसे किसी को इलेक्ट्रोप्लेटिंग करानी है तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी, पाउडर कोटिंग करानी है तो पाउडर कोटिंग होगी, जैसे जिसकी नीड होती है वैसा बनता है। पाउडर कोटिंग एक तरह की जैसे कि नाम बता रहा है कि पाउडर कोटिंग है, तो वो पाउडर से बनती है। वो कोई डायरेक्ट गन से पेंट नहीं चलाया जाता है उसका। पाउडर सबसे पहले हम एक मशीन के थ्रू, जो एक वैक्यूम क्लीनर जैसी मशीन होती है, उससे पाउडर स्प्रे करते हैं। पाउडर डायरेक्ट पीस पर जाकर, हमारे आइटम पर जाकर लग जाता है, उसकी लेयर बना लेता है सरफेस पर। देन वो हम ओवन में डाल देते हैं। ओवन में लगभग 150 डिग्री सेल्सियस तक वो बेक होता है एक तरीके से। फिर जब हम निकालेंगे तो वो अपने आप में इतनी स्ट्रॉन्ग लेयर बना लेता है कि फिर उस पर किसी कॉरोजन का असर नहीं होगा, कॉरोजन रेजिस्टेंट हो जाएगा, रस्ट नहीं आएगी। वो अपने आप में एक शील्ड बना लेता है जो मेटल को प्रोटेक्ट करती है।